नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप देखेंगे जिंदगी में हमारे पास काफी कुछ भगवान का दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम में से ज्यादातर लोग आपको रोते हुए मिलेंगे। कोई कहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास अच्छा पहनने को नहीं है, मेरे पास अच्छा घर नहीं है रहने को, मेरे पास अच्छा खाने को नहीं है, मेरे माँ बाप अच्छे नहीं है, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया। उनको हमेशा हर चीज से जिंदगी की शिकायत ही रहती है। दोस्तों हम लोग बहुत सारा खाना अपनी प्लेट में, शादियों में, फंक्शंस में बर्बाद कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, जिससे इस टाइप के भूखे लोगों का पेट भरा जा सकता है। दोस्तों जब भी आपके मन में इस टाइप के रोने वाले विचार आएं, आप इस व्यक्ति का दृश्य जरूर याद कीजिएगा। इस व्यक्ति को दोस्तों इस कचरे के डब्बे में से किसी का फेंका हुआ कुछ खाना मिल गया था, और पता नहीं इसने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया होगा। ये वहीं धूल मिट्टी में बैठा हुआ अपनी भूख मिटा रहा है दोस्तों। और दुनिया दोस्तों इतनी इनसेंसिटिव है, इतनी संवेदनहीन है कि आसपास से लोग जा रहे हैं लेकिन कोई भी इस व्यक्ति की तरफ ध्यान नहीं कर रहा। तो दोस्तों आज के बाद अगर आपके मन में ऐसा रोने वाला विचार आए कि आपके जीवन में कुछ कमी है, आप जरूर एक बार इस व्यक्ति का दृश्य याद कीजिएगा और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिएगा कि आपको बहुत कुछ उसने दिया है जिसका आप शुक्राना कभी अदा नहीं करते, आप हमेशा रोते ही रहते हैं।